उसका वर्चस्व देखो। श्रावण मास की पावन बेला चल रही है, जो नास्तिक भी है उसके मन में भी ये भाव है, मुझे भी गंगा जल लेकर आना है, भगवान का अभिषेक करना है। चारों ओर कावड़ की गूंज, ओम नमः शिवाय की गूंज, बम बम महादेव की गूंज, ऐसा समागम प्रकृति में पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देखने को नहीं मिलता, जो हमारे इस उत्तराखंड की बावन भूमि शिवलोक में देखने को मिलता है। बोलिए उत्तराखंड धाम की जय। कल आप सबने बड़ा ही सुंदर प्रसंग श्रवण किया, देवी को प्राप्त करने के लिए राजा दक्ष और उनकी भारिया तप करने के लिए बैठ गए हैं। देवी की पार्थिव प्रतिमा का निर्माण किया है, माने रेत में बैठकर एक सुंदर सी मूर्ति का निर्माण किया, त्राटकता से बैठकर उसका वंदन पूजन अभिनंदन किया। 3000 वर्ष हो गए एक स्थान पर बैठे हुए राजा दक्ष प्रार्थना कर रहे हैं, कब वो समय मेरे जीवन में आएगा जब भगवती मुझे देवी रूप में प्राप्त हो जाएगी, पुत्र रूप में प्राप्त हो जाएगी। अनेकों अनेक पुत्रियों ने राजा दक्ष के घर में जन्म लिया और उनकी तप और तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने आशीर्वाद दिया। हम सोचे कि तपस्या भी ना करनी पड़े, तप करना ना पड़े और सहजता में ही हमें सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा संभव है? नहीं है ना, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कई बार हमारे बच्चे घरों में बुआ बेटियां, मेरे बाप की तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मुझे क्या जरूरत है काम करने की, मैं बहुत रजवाड़े परिवार से हूं, बहुत अमीर परिवार से हूं, काम नहीं करते। कर्म की प्रधानता से हमारी महत्ता बनती है, हम कैसे हैं। श्रद्धालु कितना ही अथा धन क्यों ना हो, वो हमारे पूर्वजों का है, हमें अगर आज आशीर्वाद रूप में मिला है तो हमारे मन में भाव नहीं होना चाहिए मैं कर्म योगी ना हूं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कर्म की प्रधानता से इस राष्ट्र को, इस धर्म को, इस देश को कुछ न कुछ देना चाहिए। हम राष्ट्र को नहीं दे सकते, धर्म को नहीं दे सकते, तो कम से कम अपने गांव को, अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को कुछ अपने कर्म की मिसालें दे पाए कि फला के परिवार को देखो कितने मेहनती हैं, कितने कर्मयोगी हैं। और ये कर्म भूमि है, जो भारत भूमि आप देख रहे हैं ये कर्म भूमि है। इस पर बैठकर देवों ने, साधु संन्यासियों ने, वैष्णवों ने, साध्वियों ने और ग्रस्त के प्राणियों ने अथाह तप किया है। ऐसा तप किया है कि शायद ही जीवन में कोई कर पाएगा। हम ये जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, ये सारा का सारा पुराण साधना से, तप और तपस्या से भरा पड़ा है। 3000 समय कम होता है, उस समय प्राण हड्डी में थे, आज प्राण अन्न में है। अगर हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे 2 दिन 4 दिन 10 दिन में गोविंदा नमो नमो हो जाएगा, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। सालों साल, 10 साल 20 साल कोई भोजन नहीं ग्रहण करना तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि प्राण हड्डियों में थे, अस्थि में थे। राजा दक्ष बैठे हुए हैं, देवी की आराधना कर रहे हैं और देवी अम्मा प्रसन्न हो गई और क्या कहा, राजन तुमने तप किया है। तप और तपस्या किसी की निष्फल नहीं जाती, ये भी ध्यान रखना चाहिए। हमने किसी पशु की, किसी पक्षी की, किसी पेड़ की, इस प्रकृति की, किसी की भी सेवा की है वो कभी निष्फल नहीं जाती, समय आएगा उसका फल अवश्य मिलेगा। चाहे कर्म हमारा सन्मार्गी हो और चाहे दुराचारी हो, दोनों का फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम सोचे कि अध्यात्म में हम सत्कर्म करेंगे उसी का फल मिलेगा, नहीं। अगर हम दुराचारी भाव से इस प्रकृति के साथ न्याय करेंगे तो कल वो भी पाप हमें झेलना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। कुछ लोग कहते कुछ नहीं होता, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा,
तो ये हमारी भूल है। बिना आंखों के जो देख लेता है, बिना हाथों के जो स्पर्श कर लेता है, और बिना पैरों के जो चल लेता है, वो सर्वेश्वर है, भूतेश्वर है। ये हम क्यों बोल जाते हैं, हमें कोई देख नहीं रहा है, वो देख रहा है। उसकी आंखें कभी बंद हो नहीं सकती। हमारी आंखें बहुत छोटी सी हैं, लेकिन उसकी आंखें सूरज और चांद कहां कहां तक देख लेता है, जहां हम जा भी नहीं सकते। इसलिए देवी ने आशीर्वाद दिया, जितने समय तुम्हारे द्वार पर मेरा सम्मान होगा, मैं उतने समय आपके परिवार में, घर में भाव के साथ निवास करूंगी। और जिस दिन तुम्हारे द्वार पर मेरा अपमान हो गया, मैं उसी दिन आपका द्वार छोड़कर अपने निज स्वरूप में विलीन हो जाऊंगी। बोली भगवती माता की जय। राजन ने शह स्वीकार किया, देवी को प्रणाम किया, शह स्वीकार किया, देवी कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे तप और तपस्या से मिल रहा, मैं आपका अपमान नहीं करूंगा। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वो शक्ति बड़ी होने लगी, और चूंकि दक्ष का भी काफी बड़ा परिवार है, दक्ष को अब और बड़ी राजसत्ता और बड़े पद मिल गए। और शास्त्र कहता है, जब व्यक्ति को संसार की धन संपदा मिलती है, वैभव मिलता है, पद और प्रतिष्ठा मिलती है, तो कई बार वो उसके मद में आकर अपने आप को भूल जाता है। जैसे अभी हम प्रदेश के राजा की बात करें, तो अगर हम मिलना चाहें तो एक दो दिन लगेगा, लाइन लगेगी, पता नहीं कहां होंगे, और क्या मालूम हमारी बात को सुनेंगे नहीं सुनेंगे। तो ऐसा ही समय राजा दक्ष के समय में आया, अभिमान हो गया। देवी का विवाह तो भोलेनाथ से हुआ, लेकिन उस विवाह में वो आनंद नहीं हो पाया। जिस हेतु भगवान शिव का विवाह होना था, वो हेतु पूर्ण ही नहीं हुआ, उससे पहले ही देवी का अपमान हो गया। आज के प्रसंगों में सुनेंगे। और जब देवी का अपमान हुआ, तो देवी ने उसी यज्ञ में अपने आप को समर्पित कर दिया। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। जप यज्ञ, ध्यान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, कर्म यज्ञ, संसार में अनेकों नेक यज्ञ है, और यज्ञ के सिवाय संसार में कुछ भी नहीं है। राजा द्रुपद हुए, जिनके यहां संतान नहीं थी और यज्ञ चल रहा था। संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ चल रहा था राजा द्रुपद के यहां। आचार्य बैठे हुए थे, आहुतियां डल रही थी। कुल पुरोहित ने राजन से कहा, राजन आशीर्वाद देने का शुभ मुहूर्त आ गया है, और आप अपनी भारिया को बुलाओ। राजा ने जैसे ही दासियों से कहा कि जाओ रानी को महल से बुलाकर लाओ, तो जैसे ही दासियां राजमहल में अंदर गई, तो क्या देखा कि रानी स्नान कर रही है। दासियों ने आकर राजन को अवगत कराया, महाराज रानी साहिबा तो अभी स्नान कर रही है। यकीन मानिए, जैसे ही कुल पुरोहित को सुना, तो उन्होंने कहा, राजन शुभ मुहूर्त किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, और एक आहुति उठाई, जैसे यज्ञ में स्वाहा किया, वहीं से द्रौपदी और एक पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। ये सनातन की विधा है, सनातन के संस्कार है, सनातन की सभ्यता है, सनातन का अध्यात्म है, जो आज पूरी दुनिया के, पूरे विश्व के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े संत भारत की भूमि पर आकर सर्च करते हैं, क्या वाकई सनातन के पास ऐसी अमूल्य विधा है।
क्या सनातन के पास ऐसे परिधान हैं जिनको पहनकर हम बड़े आनंद से रह सकते हैं? जब हमारे ऋषिकेश हरिद्वार में वो साइंटिस्ट आते हैं और उन कॉटन के वस्त्रों को पहनते हैं जो बड़े ही कंफर्टेबल हैं, और खाना तो फिर कैसा मिलता है कि सुबह नाश्ता हो रहा है तो पानी वाला हल्का सा दलिया मिलेगा, दोपहर को अगर दाल बनी है तो दाल के दाने कहीं ढूंढने को मिलेंगे, ऐसी दाल मिलेगी, कोई 36 प्रकार के व्यंजन नहीं होंगे, तरह तरह के मसाले नहीं होंगे। आश्रम में कभी खाना चखिए तो शायद हमारी और आपकी जीवा स्वीकार ही नहीं करेगी। हमें तो खैर आदत है क्योंकि कई बार नमक नहीं है, कई बार मसाले नहीं है, कई बार तेल नहीं है, तो जैसा है नारायण का प्रसाद है, बस बनाइए और पाइए। कई बार छोका है तो कई बार नहीं है, लहसुन और प्याज तो पता नहीं, कभी आया है तो नहीं और नहीं है तो नहीं। जब वो आकर ऐसी ऐसी भूमि पर ऐसे व्यंजनों को और ऐसे कपड़ों को पहनकर साधुओं के सानिध्य में बैठते हैं तो संत कहते हैं पहले बैठना सीखो। कैसे बैठे? कोई ऐसे बैठता है, यानी अपनी मेरुदंड को हम धनुष आकार भी बनाकर बैठते हैं। शास्त्र कहता है जो अपनी कमर की रीढ़ की हड्डी को मोड़ कर बैठते हैं वो समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं, श्वास छोटा हो जाता है और निरोग जीवन नहीं रोग में जीवन हो जाता है। मेरुदंड बिल्कुल सीधा, आपने जितने भी विद्वान हैं उनको देखा होगा बिल्कुल सीधे होकर बैठते हैं, और जब सीधे होकर बैठते हैं तो करंट ब्रह्मरंध्र तक, मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक पूरा करंट जाता है। श्वास लंबा गहरा लेते हैं और लंबा गहरा छोड़ते हैं, श्वासों को भी बचा लेते हैं, उम्र को बढ़ा लेते हैं। ऐसी टेक्निक, ऐसी विधा सनातन में है। सीधे होकर बैठना, उन्हें बैठना सिखा दिया, उसके बाद प्रणव की साधना में ले आई, जो आपकी श्वास जा रही है उससे भी और जो आ रही है उससे भी धीरे धीरे प्रणव यानी ओम का उद्गीत करना है। और जब वो वैज्ञानिक आकर उस विधा को देखते हैं, उसमें कुछ समय देते हैं, तो फिर भारत के ही होकर रह जाते हैं, वापस अपने वतन नहीं जाते। हमने कईयों से पूछा, चर्चा की, अभी पिछले दिनों जब डांडी में कथा हुई ऋषिकेश में, तो कई अंग्रेजों को हमने देखा, धोती बांधी हुई है, चंदन लगाया हुआ है। हमने उनसे बात किया, कोई लंदन से था, कोई अमेरिका से था। मैंने कहा आपको भारत में क्या अच्छा लगता है? अमेरिका तो वैसे ही शक्तिशाली देश है और किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी आप यहाँ और ऐसे वस्त्रों में, थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बोल रहे थे, तो क्या बोलते हैं? स्वामी जी हमने संसार की सारी चीजों का भोग करके देखा, मैंने खाकर और पीकर देखा, उन चीजों को आप छू नहीं सकते जो हमने खाकर और पीकर देखी है, हमने सारा संसार में भोग भोग कर देखा, लेकिन क्या पाया कि हमारे मन को शांति नहीं है। धन संपदा की बात करें तो हम बहुत रजवाड़े हैं, राजमहल है हमारे, सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। यहाँ कितना समय हो गया? 1 साल हो गया। अच्छा, तो अब मन में शांति है? हाँ, मन में शांति है और आनंद की प्राकाष्ठा में अब हम पहुंच रहे हैं। अमेरिका कब जाओगे? अब कभी जाएंगे ही नहीं। ऐसी विधा सनातन की जिसको आज पूरे विश्व प्रणाम करता है, माताओं हम उस विधा के अनुयायी बैठे हैं। इसलिए हम अपने अध्यात्म को समझें, अपने संस्कारों को समझें, अपनी संस्कृति को समझें, अपने कल्चर को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, अपने परिधानों को सुंदर तरीके से पहने। आज भी अगर राजस्थान में कथा करने जाओगे तो देखोगे आज भी माताएं 52 गज के घाघरे पहनती हैं, और आज की हमारे यहाँ बेटियां हैं, अगर 52 गज कपड़ा भिगोकर किसी के सिर पे रख दिया जाए ना, अकेली उठा भी नहीं पाएगी। 52 गज का तो वो है जिसका घाघरा बन रहा है, फिर उसकी जो कुर्ता है वो अलग बन रहा है, फिर उसके ऊपर जो ओढ़ने का वो अलग है,
कहीं 52 के बजाय 55 गजना बन जाए, इतने विशाल परिधानों की है सनातन संस्कृति। बड़ा दुख होता है जब हम अपने उत्तराखंड देहरादून में बहुत सारी बच्चियों को देखते हैं कि 2 मीटर कपड़ा भी तन पर नहीं है। क्या उनकी माओ ने सिखाया, क्या उनके परिवारों ने सिखाया? तो ये क्या है, ये संस्कृति का हार्स है, संस्कारों का हार्स है। इसलिए हम इन ओर भी ध्यान दें, अच्छे और सुंदर अपनी संस्कृति के परिधान पहने, औरों को भी शिक्षा दें। हमारी बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ बैठी है, सुबह ही अपने जूड़े बना लेती हैं, सुंदर साड़ियां बांध लेती हैं, अपना श्रृंगार कर लेती हैं, शाम तक एक बार भी उन्हें बाल सेट करने नहीं पड़ते। और जो आज की युवा बच्चियां हर समय कभी इधर से सेट करें, कभी इधर से करें, कभी इधर से करें, सारा दिन तक सेट करते रहते, शाम तक सेट ही नहीं होते। तो ये क्या है, संस्कृति का हार्स है, संस्कारों का हरण है। हम अपने बच्चों को ऐसा सिखाएं। कई बच्चों से जब हम बात करते हो कहते हैं हम मॉडर्न है। ये मॉडर्न बीमारी पता नहीं सनातन में कहां से आ गई है। हम कैसे भी हैं और कहीं भी रहें, हमारी पहचान हमारे कल्चर से है, हमारे पहनावे से है, हमारी वेशभूषा से है। और अगर यही हमारे पास नहीं है तो फिर क्या है, कुछ भी नहीं है। आइए आज छठा यानी षष्ठम दिवस की कथा प्रारंभ हो रही है। मंच पर शिव महापुराण विद्यमान है, जिसे हम कोटि बार प्रणाम करते हैं। आप भी अपनी वाणी से शिव महापुराण की स्तुति करो। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करो, प्रभु हमें आशीर्वाद दो, हमारे गांव में घर में सुख हो, आनंद हो, और हम सब आपकी सेवा कर पाए, आपके धाम को प्राप्त हो पाए, ऐसी भावनाओं से शिव महापुराण की स्तुति। बोली शिव महापुराण की जय हो। श्री शिव महापुराण तेरी बार बार वंदना, 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 बार बार शिव महापुराण तेरी बार बार वंदना। ताली की सेवा करते हैं। Thank you.
जी की वंदना, श्री व्यास जी की वंदना, बाराशर जी की वंदना, श्री व्यास जी की वंदना, भागवत के रचना तेरे बार बार वंदना, श्री भागवत के रचयिता तेरे बार बार वंदना, आने वाले साधकों से मेरा एक अनुरोध और भी है कि जो फॉर्म हमें मिला है ये एक तरह से हमें फ्री में मिला है, मैंने माया फॉर्म के मालिक ने हमारे से एक रुपए की डिमांड नहीं की, लेकिन हम सबका एक कर्तव्य भी बनेगा कि हम इसकी गरिमा को, इसकी साफ सफाई को सब ध्यान रखेंगे, झूला झूले भाव से झूले। मैं कई बार देखता हूँ पूरा तेजी से झूलते हैं, कहीं टूट गया तो हमारे भी चोट लगेगी, कई बार हम देखते हैं वहां की फूल पत्तियां भी हम तोड़ते रहते हैं, तो ऐसा ना करें। पता चला कल हम उनका फॉर्म मांगने आए और वो कहीं स्वामी जी शिवपुराण हुआ था और आप लोग तो इतना नुकसान करके चले गए, फिर हमें ठीक करना पड़ा, तो हम फॉर्म की फूल पत्तियां भी ना तोड़े, अपने घर से हम लेकर आए और जो भी यहाँ हमें दिख रहा है उसका हम विशेष ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि ये सार्वजनिक स्थल नहीं, एक परिवार का स्थल है और अगर उन्होंने हमें दिया है तो हम उनका धन्यवाद करें। कम से कम 11 दिन के लिए हमें मिला, कोई अगर एक दिन के लिए भी लेता है तो लाखों रुपया उसको देना पड़ता है, हमें तो अगर 11 दिन के लिए मिला तो कम से कम 11-12 लाख से ऊपर का बिल बने, लेकिन उन्होंने एक पैसे की डिमांड हमारे सामने नहीं की। भगवान देवाधिदेव महादेव उनको आशीर्वाद दे कि उनका परिवार सुख में रहे, आनंद में रहे, उनके यहाँ खुशहाली हो, धन धान्य से परिपूर्ण, और उनकी माता श्री बैठी है कितने समय से पूरे परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं, वो भी स्वस्थ रहे। आज के इस कार्यक्रम के लिए हम भगवान देवाधिदेव महादेव से आग्रह करते हैं माता श्री का शरीर भी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे और हम इसी तरह से आशीर्वाद की बेला में आगे बढ़ते रहे। श्रद्धालु, श्रावण मास में अति आवश्यक है कि हम पार्थिव शिवलिंगों का पूजन और पाठ निरंतर करते हुए आगे बढ़े। बोली साचे दरबार की। आई व्यास जी महाराज का आगमन हो रहा है, एक बार सभी खड़े होकर स्वागत करें। ओम ध्यान मूलम गुरु नमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा हो रहा है। और श्रावण मास की बेला में इस चीज पर भी हम बड़ा बल दे रहे हैं कि आजकल हम अपने देवस्थलों को देख रहे हैं, अपने मंदिरों को देख रहे हैं कि हम सप्ताह सप्ताह तक मंदिर नहीं जाते, महीना महीना तक नहीं जाते, साल साल ऐसे निकल जाता है, कभी गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। माताओं ऐसा कदाचित ना करें, अपने बच्चों में भी ऐसा संस्कार डालें और अपने आप स्वयं में भी ऐसा संस्कार लाएं कि आज मंगलवार है तो आज हर हाल में देवालय जाना ही है। सायंकाल आरती अगर 7 बजे हो रही है तो 7:15 तक हम मंदिर में जाएं, 10-15 मिनट में किसी का कोई कार्य खराब नहीं होगा। राक्षसों के ऊपर अगर हमारा वर्चस्व बनेगा तो देव स्थलों से बनेगा, हम अपने देव स्थलों पर जाएं, देवों को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें और उसके बाद अपने गृह कार्य में। लेकिन ये नहीं है कि बस खाली आरती हो रही है, पंडित जी अपना घंटी हिला रहे हैं, हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता।
हम अगर रोज नहीं जा सकते तो हफ्ते में एक दिन जरूर अपने देवालय सब लोग जाएं, पूरा ग्रुप बनाए कि आज देवस्थल जाना ही जाना है, और देवस्थल पर जाएं तो वहां ऑर्डर ना चलाएं, पंडित जी ये कपड़े खराब हैं, यहाँ जाले लगे हुए हैं, यहाँ फूल पड़े हैं, नहीं, हम सब अपने देव के सेवादार बने। और जो सेवादार बनते हैं, जो सेवा करने वाले होते हैं, देव अपनी संपदा उन्हें ऐसे ही लुटा देते हैं, मांगना नहीं पड़ता। देवस्थल पर जाएं, झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, कहीं गंदगी पड़ी हो उसे साफ करें, फूल हैं, पत्तियां, इन सब को इकट्ठा करके एक जगह रखें। हम आजकल देखते हैं देवालय में लोग जाते हैं, वहीं दही फेंक के आ गए, वहीं दूध फेंक के आ गए, वहीं फूल फेंक के आ गए, बस। बाद में चाहे वहां कुत्ते जाएं, चाहे अन्य जीव जंतु जाएं, उनको चाटे पाटे कुछ करे, हमारी ड्यूटी खत्म। ऐसा ना करें। भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हो, दूध से, दही से, घी से, शहद से, जितने द्रव्य आप ले जा रखे हो सबसे करिए, भाव से सुंदर खूब नहलाइए और भरकर बाल्टी से फिर पुनः पूरी पिंडी को, पूरे उस देवस्थल को सुंदर तरीके से साफ करिए। जैसे हम साबुन या शैम्पू से नहाते हैं, अगर कहीं भी बालों में जरा सा भी साबुन लगा रह गया तो तन ये कहता है इसको दोबारा धुलो। दही डालकर नहीं आना है, दूध डालकर नहीं आना है, उसको अच्छे से स्नान करा करके, साफ सुथरा करके, सुंदर नए टॉवल से पूरी पिंडी को साफ करके फिर भगवान का श्रृंगार करिए। चंदन लगाइए, तिलक लगाइए, रोली लगाइए, अक्षत लगाइए, फूल माला बनाई तो फूल माला चढ़ाइए, बेलपत्री चढ़ाइए, धतूरे का फूल फल जो है वो चढ़ाइए। श्रृंगार करने के बाद धूप दीप नैवेद्य पूर्ण पात्र द्रव्य दक्षिणा और फिर साष्टांग प्रणाम करिए अपने देव को, तो आशीर्वाद मिलेगा। कभी कभी हम घर से कुछ ले जाते नहीं, पड़ोसियों के फूल तोड़े, मंदिर से पानी भरा और बस, और कूड़ा करकट करके आ गए। ऐसा हम अपने देवस्थलों पर ना करें, इससे अव्यवस्था बढ़ेगी, देवों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हम अगर कल भगवान शिव का अभिषेक करने जा रहे हैं तो आज ही पूरी तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें। देखो जब आप दैनिक जीवन में देखो, जब हम और आप स्नान करते हैं तो पहले ये देखते हैं बाल्टी लोटा है कि नहीं, तौलिया है कि नहीं, सर्फ या साबुन नहाने का साबुन है कि नहीं। अगर मन ने कह दिया मुझे साबुन से नहीं नहाना तो उसको किनारे करेंगे, दूसरा लाओ। जब हम अपने लिए इतनी व्यवस्था रखते हैं तो अपने इष्ट के प्रति भी हमें ये भाव होना चाहिए। और ये जो हम अभिषेक कर रहे हैं दूध से, दही से, घी से, शहद से, गन्ने के रस से, इन सब चीजों के बड़े साइंटिफिक रीजन है। जब आप पूछेंगे, जानेंगे कि शहद से अभिषेक करने से कितने लाभ है, गन्ने के रस से अभिषेक करने का लाभ क्या है, तो आपको पता चलेगा इन सब के अलग अलग लाभ है। हम उनके बारे में जानकारियां रखें, विद्वानों के बीच बैठें और जरूर इस पर चर्चा करें। उसके बाद देवस्थल में किसी भी तरह की गंदगी को ना फैलाएं, सुंदर बनाएं, साफ बनाएं। कोई बाहर से भी आ जाए तो देख कर कहे वाह कितने सेवादार लोग रहते हैं यहाँ, जो अपने देव की इतनी सेवा करते हैं। और कहीं तो इतना बुरा हाल देवस्थल का कर रखा है, अपने घर का भी इतना बुरा हाल नहीं है, बस पंडित जी के ऊपर रोप झाड़ते रहेंगे, वहीं दो बत्ती पड़ी है, वहीं अगरबत्ती के पैकेट, अगरबत्तियां ना ले जाएं देवस्थल पर, और अपने घरों में भी अगरबत्ती जलाने के विधान नहीं है। बांस को वंश वृद्धि का हेतु माना जाता है, बांस ऐसा मानते हैं और कहते हैं कि जो बांस जलाता है परिवार को जला देता है, इसलिए अगरबत्तियां नहीं, दो बत्ती जलाइए। और उनको भी ये नहीं कि पड़ा पता चला कि बाहर फिर उनके राख पड़ी है, समिदा पड़ी है, उनके छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं, सड़ रहे हैं, ट्रे खराब हुई पड़ी है। और शनि मंदिरों का हाल देखें जाकर के, मैं ये किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, इसलिए सचेत कर रहा हूँ कि हम सब जागे, हम उनकी सेवादार बने, गंदगी बिल्कुल ना फैलाए, अपने धर्म स्थलों को सुंदर साफ सुथरा रखेंगे तो आने वाले जो साधक हैं वो भी हमें कहेंगे वाकई ही यहाँ कोई सनातन के सेवादार रहते हैं। अन्य धर्मस्थलों को देखो, अन्य उनके मठों को देखो, जहां जहां भी उनकी पूजा स्थल होती है कितने सुंदर बना रखे हैं, लेकिन एक हम आलसी तरीके से अपने देव की पूजा में लगे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें।
सब चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखें। जहां हमने चढ़े हुए फूल पत्तियां रखनी है वो एक तरफ अच्छे से रखें, किसी डस्टबिन में रखें, किसी गड्ढे में रखें। और कई बार क्या होता है, हम अपने घर की चुनरिया नारियल फोटो ले जाएंगे और पानी में फेंक के आ जाएंगे। सब ऐसा ही करते हैं, यहां से बहेंगे वो आगे पड़े रहेंगे। आस्था को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। शास्त्र कहता है कि घर में जो भी पुरानी चुनरिया है, पोस्टर है, सारी की सारी इकट्ठी करके उनको अग्नि को समर्पित कर दो। अग्नि उन सब की गति कर देगी और फिर उस समीदा को, उस राख को उठाकर जल में प्रवाहित कर दो। ना सड़ेगी, ना कहीं आस्था को ठेस पहुंचेगी। लेकिन ऐसे हम पानी में फेंक के आ जाएंगे तो आगे जाकर वो फिर पड़ी भी होगी, फिर आस्था को ठेस पहुंचेगी, फिर बड़ा बुरा लगेगा। या हम कोई खड्डा खोदे, उसमें सब रख दे, ऊपर से मिट्टी रख दे। ये सब कार्य करें। कई लोग क्या करेंगे, अपने घर की टूटी हुई मूर्तियां देवस्थल में रखे आ जाएंगे, पेड़ के नीचे रखे आ जाएंगे, उससे भी अव्यवस्था बढ़ रही है। उस पर भी अब ध्यान दें। अगर हमारे घर में कोई प्रतिमा टूट गई है तो हम कहीं पर भी भूमि में गड्ढा खोदे, उसको वहां रख दे। अव्यवस्था धर्म के अंदर बिल्कुल ना फैलाए। हम सब अपने धर्म के सेवादार बने, इसी आशा से आज का प्रसंग सदैव याद। श्री महाराज बोली, शिव महापुराण की। हरिओम। आप सभी अपने हृदय में करेंगे, आवाज थोड़ा बारीक करो, आवाज को बढ़ाओ। ओ उपासते पशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतम् यस्य मृत्यु कस्मै देवा हविषाविधेमा। ॐ शान्ति ॐ ॐ शान्ति ॐ। शर्वारिषु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। निराकारि ओंकारि मूलं तुरियं गिरा ज्ञानि गोतीतमिशं गरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारि संसारि पारं नतोहम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मिजं वानरयुते मोक्षं श्रीरामे दूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामे दूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामे दूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामे दूतं शरणं प्रपद्ये नमो नमः शिवे नमो नमः नमो नमः शिवे नमो नमः नमो नमः नमो नमः शिव नमो नमः नमो नमः शिव नमो नमः जय हो हरि बोल करते हुए जो प्राति स्मरणीय है हम सबका जो जीवन है गौ माता की श्री चरणों में क्योंकि कथा उनकी श्री चरणों में समर्पित है। वो हमारी अधिष्ठात्री देवी है जिनके दुख से जिनके ग्रस्त से हम परिपूर्ण हो रहे हैं। तो एक बात दोनों हाथ उठा करके गौ माता की श्री चरणों में अपनी हाजिर लगा दे। सीधे हाथ करिए गौ माता श्री नमो नमः गंगे माता नमो नमः जय हो नमो नमः गंगे माता नमो नमः गौ माता श्री नमो नमः गंगे माता नमो नमः गौ माता श्री नमो नमः गंगे माता नमो नमः गौ माता श्री नमो नमः गंगे माता नमो नमः गौ माता श्री नमो नमः गंगे माता नमो नमः गौ माता श्री नमो नमः गंगे माता नमो नमः गौ माता श्री नमो नमः
गंगे माता नमो नमः। गौ माता श्री नमो नमः गंगे माता नमो नमः। गौ माता श्री नमो नमः गंगे माता नमो नमः। नमो नमः शिव नमो नमः। नमो नमः शिव नमो नमः। इको और पतली। नमो नमः शिव नमो नमः। शिव नमो नमः। बोले नमो नमः शिव नमो नमः। नमो नमः शिव नमो नमः। बोले शिव शंकर भगवान गौ हमारी माता है। व्यासपीठ पर शिव महापुराण का आप दर्शन कर रहे हैं। शिव महापुराण से आप दिव्य वैवाणी का रसास्वादन कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले शिव महापुराण को अपने हृदय से प्रणाम करेंगे। बोली शिव महापुराण की जय। समस्त देवी देवताओं का हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और देवी देवता कितने हैं? आपकी आवाज नहीं आई मेरे तक। कितने हैं देवी देवता? हम उनको 33 करोड़ कहते हैं, लेकिन वो 33 करोड़ नहीं है। वो क्या है? 33 प्रकार के देवता हैं। थोड़ा बारीक करो। तो आइए समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में, समस्त महान गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ये मिलवर्तन का जो अवसर है, ये हमारे जीवन में बार बार आए। बोली समस्त देवी देवताओं की। साथ में ही पूज्य महाराज श्री स्वामी अनुपमानंद गिरि जी महाराज, गौ तीर्थ धाम हरिओम आश्रम कड़वा पानी, जहां पर दक्षिण से निकलने वाली जलधारा उत्तर की ओर बह रही है। आपने अक्सर जलधाराएं बहुत देखी होंगी जो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, लेकिन हमारा जो कड़वा पानी धाम है, वहां से जो गंगा की धारा है, वो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। जहां पर गौवे हैं, वन उपवन, और हमारे मानकशित बाबा का वे तपोभूमि है, जहां पर बैठ करके उन्होंने अपार तप किया। ऐसी पावन भूमि से महाराज जी समय समय पर आपके बीच में आते हैं। आपको धर्म, संस्कृति, संस्कार, इन सब चीजों का ज्ञान महाराज जी आपको दे रहे हैं। व्यासपीठ से महाराज श्री को और आप समस्त मातृ शक्ति, युवा शक्ति, भाई बहन, एक साथ आप समस्त धर्मज्ञ दिव्य पुनीत आत्माओं को नमस्कार करते हुए आप सब के लिए हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोली शिव महापुराण की। तो आइए आज की कथा में हम लोग, हमारा मन है, क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ का विवाह है, ये पहला विवाह है। तो इस वैवाहिक अवसर की बेला पर सबसे पहले हम गोविंद का आह्वान करते हैं। और क्यों करते हैं गोविंद का आह्वान? क्योंकि गोविंद बहुत प्रिय है। महादेव कहते हैं कि जहां मेरा गुणानुवाद होता है, उससे भगवान गोविंद अति प्रसन्न होते हैं, और जहां पर गोविंद का गुणानुवाद होता है, वहां पर महादेव भी अति प्रसन्न होते हैं। तो इस वैवाहिक बेला पर हम सबसे पहले अपने गोविंद को बुलाएंगे और उसके बाद कथा का हम लोग रास। बोली गोविंद भगवान की।
गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले सुना रही है। देव ऋषि नारद ब्रह्मादि स्वयं अपने पुत्र को शिव महापुराण सुना रहे हैं। और देव ऋषि नारद शिव महापुराण क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि वो तो नारायण के भक्त हैं, ताकि उन्हें शिव तत्व का ज्ञान हो जाए, उन्हें पता चल जाए कि जगत के आधार कौन है। सदा शिव है।
और शिव कहाँ है? हमारे हृदय में, सबके हृदय में है। हरिओम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जिस परमात्मा को हम संसार में ढूंढ रहे हैं ना, वो परमात्मा हमारे हृदय में है। हम बहुत दूर की यात्राएं करके आते हैं, बड़ी दूर दूर तीर्थों में चले जाते हैं। बहुत सारी माताओं ने, बहनों ने अनेक तीर्थों की यात्रा की हुई है, चारों धाम गए हैं, वृंदावन घूम करके आते हैं, वैष्णो माता घूम करके आते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप लोग जाते हैं ना? जब आप इन सब तीर्थों पर घूमने जाते हो तो कभी अपने 10 उंगल की तीर्थ में भी घूम लो। इतनी दूर दूर हजारों किलोमीटर घूम करके आ जाएंगे, लेकिन अपने हृदय रूपी तीर्थ में नहीं घूमते हम लोग। जिस दिन हम अपने हृदय रूपी तीर्थ में हमने भ्रमण करना शुरू कर दिया, तो जिस परमात्मा को हम संसार में ढूंढ रहे ना, वो परमात्मा हमारे हृदय में है। लेकिन हमें एहसास नहीं है। हम सोचते हैं कि भागो, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, इधर मिलेगा, उधर मिलेगा। संत महात्माओं ने कहा कि मनुष्य की जो स्थिति है ना, वो हिरण की स्थिति है। कस्तूरी कुंडल बसे मर्ग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। हिरण की नाभि में कस्तूरी है, जहां बैठता है उस कस्तूरी की उसे सुगंध आ रही है। सोच रहा है कि यहां मिलेगी, वहां मिलेगी, भाग रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन जहां भी बैठता है वहीं उसकी सुगंध है। इसी प्रकार से हम जहां पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, इस ब्रह्मांड के जिस कण पर भी हम बैठे हुए हैं, वह कण परमात्मा से अंच्छादित है, घिरा हुआ है। तो जहां पर भी बैठते हैं ना, उसी परमात्मा की सुगंध आती है। लेकिन उसको ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं उसकी याद में, मिल जाए बस एक बार दिख जाए, लेकिन अपने हृदय की यात्रा को नहीं कर रहा है। इस हृदय को पवित्र नहीं कर रहा है, इसको निर्मल नहीं कर रहा है। और भगवान ने साफ शब्दों में कह दिया कि जिसका हृदय पवित्र नहीं, जिसका मन निर्मल नहीं है, वह मुझे कदाचित प्राप्त नहीं कर सकता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। श्री राम
इस ज्ञान को सुन करके हमें अपने हृदय को पवित्र करना, निर्मल करना है। तभी इस हृदय में साक्षात शिव प्रकट हो जाएगा। और जिसके हृदय में शिव प्रकट हो गए हैं, उसकी स्थिति कैसी हो गई है? जिसको कल्पना नहीं की जा सकती है, जिसके हृदय में शिव है, वास्तविकता में वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता है। और क्या कहेगा? बड़े बड़े अंग्रेज अपने कारोबार को छोड़ करके ऋषिकेश आदि आश्रमों में आए, और जब उन्होंने शिवा को देखा, गौर शिव इसको प्राप्त करना है, उन कारोबारों में उस धन में उन्हें आनंद प्राप्त नहीं हुआ। आश्रमों में जब वो गुरुओं के शरणागत हुए तो उनको सेवा में लगाया, और सेवा करते करते कहा कि तुम नमः शिवाय का उच्चारण करो। अंग्रेज सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, आश्रम सेवा कर रहे हैं। जब वह सेवा करते करते पवित्र हो गए, निर्मल हो गए, उनकी अंत आत्मा स्वयं कहने लगी। आत्मा ने क्या कहा? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद रूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद रूपम शिवोहम शिवोहम, स्वासं भजे हम शिवोहम शिवोहम, स्वासं भजे हम शिवोहम शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम। उन अंग्रेजों ने कहा सेवा कि मैं शिव हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं प्रकाश रूप हूं, मेरी जो श्वास है प्रत्येक श्वास में शिव है, और ये जब शिव मेरे अंदर से निकल जाएगा तो मैं सौ हो जाऊंगा। इस शरीर को क्या कहते हैं? सौ। बड़ा ही आनंद प्राप्त किया। तो कल कथा में आपने श्रवण किया कि दक्ष प्रजापति ने 3000 वर्षों तक माता रानी को प्रसन्न करके उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त कर लिया। अनेका अनेक पुत्रियां, किसी कल्प में 27, किसी कल्प में 60 कन्याएं हुई। अब उनके विवाह का भी नंबर आया। देवऋषि नारद जब महल में आए देवी का दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने शिवा को देखा। दक्ष प्रजापति ने अपनी इस पुत्री का नाम उमा रखा। उमा को देखते ही बड़े आनंद से भर गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवऋषि नारद जब आपने उमा को देखा तो उमा को देखते ही क्या कहा कि दक्ष प्रजापति, तुम्हारी ये जो पुत्री है ये तो साक्षात शिवा है। अगर यह तपस्या करेगी तो यह पति रूप में शिव को ही प्राप्त करेगी। अगर शिवा को शिव चाहिए, उमा को शिव चाहिए, तो शिव के लिए उन्हें भी तप करना पड़ेगा। हमें भी अगर शिव चाहिए तो हमें भी तप करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? अब जैसे सावन का महीना चल रहा है, इस मास में बहुत सारे परिवार अपनी ओर से जप कराते हैं, ध्यान कराते हैं। पंडित जी को बोल देते हैं कि आप संकल्प ले लो और हमारे परिवार की ओर से जप करो। भगवान कहते हैं कि इससे मैं प्रसन्न नहीं होता। जिसको शिव चाहिए उसे स्वयं तप करना ही पड़ेगा।
बिना तप करे शिव प्राप्त नहीं हो सकते, कदाचित भी नहीं हो सकते। दक्ष प्रजापति ने सुना कि हमारे पुत्री अगर तप करें तो इन्हें शिव की प्राप्ति होगी। प्रसूति ने कहा कि हां स्वामी, इनको शिव मिलेंगे। चारों ओर यही आवाज उठने लगी, इनको शिव मिलेंगे। उमा को क्या मिलेंगे? शिव, उन्हें शिव की प्राप्ति होगी। अच्छा, उमा को शिव मिलेंगे अगर उमा तप करे। उमा तो उसी समय से अपने मुख से क्या उच्चारण करने लगी? शिव ही शिव उच्चारण करने लगी। अब धीरे धीरे महा आ गया अस्मिन मास। उस मास में जब वे कुमार अवस्था से ऊपर गई तो अब उसके मन में विचार आ गया कि अब मुझे व्रत रखना चाहिए, नंदा व्रत। ऐसा व्रत रखना चाहिए जिस व्रत के प्रताप से भगवान भोलेनाथ क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए। मैं उन्हें पति रूप में प्राप्त करूं। देव ऋषि नारद ने आकर के शिवा को भगवान शिव का बीज मंत्र भी दिया और उमा ने देव ऋषि नारद को अपना गुरु स्वीकार किया। और अब वह शुभ तिथि आ गई, शुभ महीना आ गया अस्मिन मास, जिस मास में बैठ करके उन्होंने सबसे पहले पार्थिक शिवलिंग का निर्माण किया। शिवलिंग का निर्माण इसलिए किया ताकि मेरा मन, मेरा चित्त, मेरी आत्मा इधर उधर ना भटके। अपने मन को सेंट्रलाइजेशन करने का तरीका है शिवलिंग। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये पूरा ब्रह्मांड ही शिवलिंग है। ये पर्वत, ये नदियां, ये अन्न, ये दालें, इनको शिव महापुराण में शिव का आकार कहा गया है। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो शिवलिंग नहीं है, शिव का प्रतीक नहीं है, जो शिव से अलग हो, वो शिव से अनुच्छादित है, शिव से घिरी हुई है। सारी चीजें परमात्मा ने अपने ही स्वरूप में बनाई है। तो आज उमा ने पार्थिक शिवलिंग का निर्माण कर लिया है। बड़े भाव के साथ में उस शिवलिंग को जल, गंगा जल, नैवेद्य, पुष्प, बेलपत्री, इन सब से सजा करके भोलेनाथ को तैयार किया और गुरु के द्वारा दिया हुआ बीज मंत्र, उस मंत्र को वह शिवलिंग के सम्मुख बैठ करके नीरा आहार, यानी कि उसने अब आहार का त्याग कर दिया क्योंकि उसे भोलेनाथ चाहिए, उसे भोले बाबा चाहिए। उसे अगर शिव चाहिए तो उसे आहार का त्याग करना ही पड़ेगा, उसे व्रत रखना पड़ेगा। और हाथ जोड़ करके वे शिव की आराधना करने लगी। और शिव किस में है? समाधि में। शिव किस में बैठे हुए हैं? समाधि। और इधर उमा ने नंदा व्रत करना शुरू कर दिया है। और उमा क्या कह रही है? शिव को जगाने के लिए, कैसी समाधि लगाई रे मेरा भोला न जागे, कैसी समाधि लगाई रे मेरा भोला न जागे, कैसी समाधि लगाई रे मेरा शंभो न जागे, कैसी समाधि लगाई रे मेरा शंभो न जागे, शंभो न जागे मेरा भोला न जागे, लगाई रे
कई बहनें गा नहीं रही। ये भजन आप गाते हैं, कीर्तन के माध्यम से भी गाते हैं, इतना मुख खोल करके गाइए जैसे हम कोई मीठा पदार्थ अपने मुख में ले रहे हैं। ऐसी ताली बजाइए जिससे भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। रामा जय गावे लक्ष्मण जय गावे, जय हो जय गावे लक्ष्मण जय गावे, रामा जय गावे लक्ष्मण जय गावे, रामा जय गावे लक्ष्मण जय गावे, सीता ने पागल बजाई रे मेरा भोला ने जागे, सीता ने पायल शंभून जागे मेरा भोला न जागे, शंभून जागे मेरा भोला न जागे, कैसी समाधि लगाई रे मेरा भोला न जागे, कैसी समाधि लगाई रे मेरा भोला न जाने, जय जय भोग बना करके महादेव की सेवा में समर्पित कर रहे हैं। जिन भोगों को उमा ने स्वयं ग्रहण नहीं किया, भगवान को खीर अति प्रिय है, खिचड़ी अति प्रिय है, भगवान भोलेनाथ को अनेक अनेक श्वेत पुष्प अति प्रिय है। जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया है, ये कथा क्या शिक्षा दे रही है? दो प्रकार के प्राणी हैं संसार में। एक प्राणी वो है कि जो मेहनत कर रहे हैं, खूब सुबह से शाम तक लगे पड़े हैं, सुबह से शाम तक माया के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, पैसा आ जाए, धन आ जाए, पूरी मेहनत करने पर लगे हुए हैं, दिन रात एक कर दिया है। एक वो प्राणी है जो मेहनत नहीं कर सकता, लेकिन वो भजन करके
साधना करके भगवान को प्रसन्न करने पे लगावा है। जीवन में मेहनत जितनी की है उतना ही धन मिलेगा, और जिसने भगवान को पुष्प जल फल इत्यादि चढ़ा करके प्रसन्न कर लिया है तो भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे ना तो सारी गरीबी तुरंत ही दूर हो जाएगी। और जिससे भगवान प्रसन्न नहीं हुए ना वो बस मेहनत करता ही चला जा रहा है, करता ही चला जा रहा है, स्वयं का भी पूरा नहीं हो रहा है और औरों का भी पूरा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए संसार में अगर इस माया का सुख ग्रहण करना है, माया माया तो भगवान के प्रभाव में बैठी हुई है, कृपा में बैठी हुई है, जिसके ऊपर भगवान ने कृपा कर दी, जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया, चाहे वो मंदिर जाकर के कर लिया, नाच नाच करके कर लिया, रो रो करके कर लिया, जिसने भी भगवान को प्रसन्न कर लिया सारे संकल्प अपने आप पूर्ण होते चले गए। माया तो उसके पास स्वयं ही अटकेलियां करने आ जाती है। भगवान भोलेनाथ के चरणों में कुबेर बैठा हुआ है जो धन का स्वामी, और भगवान शिव का नाम क्या है, भोले भंडारी। इस सारे ब्रह्मांड का जो भंडारण है वो भगवान सदा शिव के पास है। तो उमा क्या कर रही है, भगवान को प्रसन्न कर रही है, व्रत रह करके प्रसन्न कर रही है, पूरी पूरी रात जाग करके भगवान को प्रसन्न कर रही है कि एक बार भगवान प्रसन्न हो और मेरे मन में जो भगवान से मांगने की इच्छा है, भोलेनाथ से जो मांगने की इच्छा है वह मेरी पूरी हो जाए। और ये कोई गारंटी नहीं है कि भगवान हर किसी से प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान तो स्वयं चुनते हैं कि मुझे इससे प्रसन्न होना है, हर किसी से प्रसन्न नहीं होते भगवान। तो आज जब उमा तप कर रही है, अपार तप कर रही है, तो देवताओं के मन में भी बड़ी चिंता हुई कि चलो हम लोग भी देख करके आते हैं कि उमा कर क्या रही है। जब हम साधना करेंगे ना तो देवता भी देखने आएंगे, हम हमारे सगे संबंधी सबसे पहले रिश्तेदार आएंगे, वो देखेंगे हमें, फिर वो जाकर के अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार करेंगे, फिर देवता आएंगे देखने, और फिर जब देवता अपनी रिपोर्ट लगा देंगे तब साक्षात भगवान देखने आएंगे हमें कि हम वास्तविकता में तप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले देवता आ रहे हैं, स्वयं ब्रह्मा जी भी आ रहे हैं, विष्णु भगवान भी आ रहे हैं, किसको देखने के लिए, उमा को देखने के लिए। और उमा तप कर रही है, भगवान शिव के बीज मंत्र को गा रही है निरंतर अविरलता में, उसका ध्यान कर रही है, कभी गाती है तो कभी ध्यान करती है, कभी उसके लिए विहार करती है, कभी शिला पर बैठ कर की करती है तो कभी जल में और कभी अग्नि में, कभी वृक्ष पे, लेकिन उस प्रभु को उन्हें प्रसन्न करना है, इस प्रकार की तपस्याओं में उमा लीन है। जब उसे भूख लगती है तो कभी वे पत्ते ग्रहण कर लेती है, और जब वे पत्ते ग्रहण करती है तो उसका नाम अपर्णा भी पड़ा। देवताओं ने देखा है तो साक्षात तपस्विनी है, जो तप करते हैं वो तपस्वी हो जाते हैं, जो दान करते हैं वो दानी हो जाते हैं, और जो योग करते हैं वो योगी हो जाते हैं, और जो चोरी करते हैं वो क्या हो जाते हैं, चोर। तो वह तपस्विनी है, योगी है, योग को भी धारण कर लिया, तप को भी धारण कर लिया, जिसने दिशाओं को अपने वस्त्र बना लिया, उसे शिव चाहिए, इतना अपार तप वह भगवान को प्राप्त करने के लिए कर रही है। भगवान ऐसे थोड़ा नहीं मिलेंगे कि बस हमने एक दो बार कथा को सुन लिया और सहजता में भगवान मिल जाएंगे। बोली शिव महापुराण की। देवताओं ने देखा ये तो वास्तविकता में तप कर रही है, ब्रह्मादिक देवताओं ने, ब्रह्मादिक देवता भगवान विष्णु समस्त देवता मिलकर के कहां गए, कैलाश पर, और कैलाश पर जाकर के प्रार्थना करने लगे, प्रभु उमा के पास में जाओ,
और उन्हें मन वांछित फल प्रदान करो। विवाह करो। तारकासुर जैसे राक्षस संसार में बढ़ रहे हैं, जब तक आप विवाह नहीं करेंगे और आपको कोई संतान नहीं होगी, तब तक तारकासुर जैसे राक्षसों का अंत नहीं हो पाएगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हें अगर डर लग रहा है तो मेरी तरह आप पर्वतों में बैठ करके तपस्या करो, अभय हो जाओ, लेकिन मेरा मन नहीं है विवाह करने का। भगवान विष्णु कहते हैं कि महादेव, आप अगर विवाह नहीं करेंगे तो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है सृष्टि के पालन की, यानी कि सृष्टि का पालन करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये ब्रह्मा जी हैं, आपने इन्हें जिम्मेदारी दी है सृष्टि की रचना करने की, और अगर आप विवाह नहीं करेंगे तो पूरी सृष्टि का जो चक्र है वो खत्म हो जाएगा। महादेव ने जब भगवान विष्णु ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना को सुना तो अब उनके मन में आ गया कि अब मुझे उमा के पास चलना चाहिए। समस्त देवताओं को कहा कि ठीक है, मैं अपने समय अनुसार उमा को वरदान देने के लिए अवश्य ही जाऊंगा। उमा इधर तपस्या कर रही है, अपार तप उनका चल रहा है, और एक समय ऐसा आता है कि हम कोई भी कार्य क्यों ना करें ब्रह्मांड में, वह कार्य पूर्ण हो जाता है एक समय आने पर। और जब वह कार्य पूरा होता है तो उस कार्य का जो फल है वो पूर्ण होने पर ही पता चलता है कि हमारा कार्य सही था या हमारा कार्य गलत था। तो आज उमा की तपस्या पूर्ण हुई और उनके सम्मुख कर्पूर गोरम करुणा वितारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उमा के सम्मुख भगवान देवादिदेही महादेव प्रकट हो गए। बोली शिव शंकर भगवान की जय। और उमा की तपस्या पूर्ण हुई, उमा ने भगवान को नमस्कार किया। भगवान महादेव कहते कि उमा मांग लो जो भी आपकी इच्छा हो। उमा के मन में क्या है कि प्रभु मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ, लेकिन कहे तो कहे, कैसे कहे। नारी का जो प्रथम गहना है ना वो क्या है। अब बहुत सारे गहने पहने हुए ना, ये गहने तो हमारे शरीर की सुंदरता के लिए है। वास्तविक गहना नारी के अंदर लज्जा है, और जिसके अंदर लज्जा नहीं है वो गहनों से युक्त है ही नहीं। तो लज्जा वंश वो कह नहीं सकती कि मैं आपको पति रूप में प्राप्त करूं। महादेव से कहा, महादेव आप तो अंतर्यामी है ना, मेरे मन में जो मांगने की इच्छा है मैं उसको कह नहीं सकती, लेकिन आप अंतर्यामी हैं, जो मेरे मन में है आप उसी का मुझे वरदान प्रदान करो। महादेव कहते हैं कि ठीक है उमा, हम आपको पत्नी रूप में अवश्य ही स्वीकार करेंगे। उमा ने कहा कि स्वामी अब आपको मेरे घर बारात लेकर के आना है, पूरे समाज के सामने मेरा वरण करना है। तो अब ये महादेव ने जैसे ही वरदान दिया उमा को तो उमा बड़ी प्रसन्नचित्त हो गई है, और महादेव ने कहा कि ठीक है समय के अनुसार ऐसा ही होगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उमा को जैसे ही वरदान मिला और उमा वरदान लेकर के अपने घर आ रही, तो घर में आनंद नहीं ब्रह्म आनंद का माहौल प्रकट हो गया, क्योंकि इतने समय के बाद पुत्री तप करके घर आ रही है। पूरा घर आनंद से भर गया, चारों ओर शुभ ही शुभ दिखाई देने लगा। जिन नदियों में कभी जल नहीं आया वो भी जल से परिपूर्ण हो गई। देवांगनाएं नृत्य करने लगी, पूरे आकाश में ब्रह्म आनंद की घटा छा गई, और
दक्ष प्रजापति के यहाँ पर नित्य नए उत्सव प्रारंभ हो गए। चारों ओर उत्सव ही उत्सव मनने लगे। जहाँ भी देखो वहीं पर उत्सव ही उत्सव मन रहा है, क्योंकि उमा तप करके घर आई है और अब वह समय आने वाला है जब महादेव बारात लेकर के आएंगे। बोली शिव शंकर भगवान की जय। तो आइए सबसे पहले उस ब्रह्म आनंद में आपको लेकर के चलेंगे जहाँ पर दक्ष प्रजापति के यहाँ पर आनंद की घड़ियां छाई हुई है। सचे दरबार की भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर साधक है जो भगवान शिव के विवाह में आए, जरा हाथ उठाओ जो विवाह में आए हैं। सब लोग आए हैं, किसी ने इतना सा हाथ उठाया? मैं इतना सा आई हूँ, सीधा हाथ उठाओ मुझे। अच्छा सारे बराती बैठे यहाँ, घराती कोई नहीं? बड़ी विचित्र बात है भाई, रायपुर में सारे बराती, अच्छा अच्छा माल मिलेगा खाने को, रंगसड़े ने चोखा है, सारे बराती बन गए। सज धज कर तो खाए, खास कोई आए नहीं, मेहंदी तो मेहंदी भी नहीं लगाई है। हम बारात में आए हैं तो ताली भी अच्छी बजाएं, भजन करें, ऐसा आनंद से झूमे, क्योंकि आज हमारे यहाँ शिवमा पुराण में मंगल बेला चल रही है। प्रभु के विवाह में सम्मिलित हो रहे, मन से अपने मन को हम उस मंगल बेला में ले जाएं और भाव के साथ गाइए भज गोविंद 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 गोपाला प्रतिबंध है, कोई मर्यादा है तो मत नाचो, बैठे रहो, और अगर प्रतिबंध नहीं है तो पूरा उल्लास मनाइए। अरे इस समय तो नाग किन्नर मुनि सारे उल्लास में डूबे हुए, पूरा उत्तराखंड उल्लास में डूबा हुआ है, आप भी आनंद मनाइए। तेरे चरणों को छूलो नंदलाला, तेरे चरणों को छूलो नंदलाला, सारी बारात ऐसे ही बैठी हुई थी, बारात को खुशी नहीं हो रही थी, इसलिए खुशी मनाइए। ऐसी बंसी बजाई नंदलाला, ऐसी बंसी बजाई नंदलाला, ऐसी बंसी बजाई नंदलाला, ऐसा गंभीरू बजाया नंदलाला, ऐसी मन में बनाई नंदलाला, मेरे मन में समाई नंदलाला, मेरे मन में समाई।
अच्छा वह तो जो रोजाना अपने इष्ट के सम्मुख नाचते हैं, जो अपने प्रभु के सम्मुख रोजाना नाचते हैं, जरा हाथ उठाओ। कोई नहीं है। अरे रोजाना जो अपने प्रभु के, अपने देव के सम्मुख नृत्य करते, आनंद से झूम झूम कर नाचते गाते हैं, वो हाथ उठाओ। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कम दिख रहा। एक दो ही, अच्छा पुष्पा, एक एक दो ही साधक हाथ उठा रहे हैं। भगवान की घर में नए नए उत्सव चल रहे हैं। अब वह समय आ चुका है कि जब ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष को कहते हैं कि आप लगन पत्रिका लेकर के भगवान शिव के पास में जाओ। लगन पत्रिकाएं लिखवाई गई, उसमें दिन समय सब कुछ नियुक्त किया गया, और ऐसा दिन नियुक्त किया गया कि जिस दिन सबकी छुट्टी रहती है। वह कौन सा दिन है? रविवार का दिन है, क्योंकि रविवार को सबकी छुट्टी रहती है। और चैत्र के शुक्ल पक्ष की ये त्रयोदशी है, जिस दिन भगवान का ये प्रथम विवाह हो रहा है। लगन पत्रिका में समय दिन सब कुछ नियुक्त है। दक्ष प्रजापति विशेष ब्राह्मणों को लेकर के कैलाश पर जाते हैं और ये लगन पत्रिकाएं वहां पर वाची जाती हैं। और अब वह समय आ गया कि जिस समय धीरे धीरे समय आ गया कि जिस समय में भगवान भोलेनाथ बारात लेकर के दक्ष प्रजापति के यहाँ पर आएंगे। भगवान भोलेनाथ विचार कर रहे हैं, क्योंकि वे आज तक किसी के विवाह में गए भी नहीं है और उन्होंने विवाह के संस्कार भी मालूम नहीं है। कैसे विवाह में जाना है, किस पोजीशन में जाना है, किस कंडीशन में जाना है, क्या क्या संस्कार है। भगवान भोलेनाथ ने इंद्र आदि देवताओं का आह्वान किया है। भगवान इंद्र, इंद्राणी अपने समस्त परिवारजनों के साथ कैलाश पर आई है और चंडी का भगवान शिव की बहन बनी है। इंद्राणी ने भगवान शिव को सजाया है, इंद्र ने सजाया है भगवान शिव को। उन्हें शिव को सजाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो भगवान शिव को सजाएंगे, और सजाने के लिए तो हमारे पास में क्या है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन शास्त्र कहता है सजाने के लिए हमारे पास मन है, और जो कार्य मन वचन कर्म से किया जाता है उससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए, जैसे इंद्राणी भगवान भोलेनाथ को मुकुट पहना रही है, उन्हें सजा रही है, दिव्यमय वस्त्र पहना रही है, इंद्र सहायक रूप में है और इंद्र के समस्त देवता सहायक रूप में खड़े हुए हैं, भगवान भोलेनाथ को सजा रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम लोग भी भगवान को सजाएं, अपने मन से सजाएं, मन से भगवान को माला पहनाएं। बैठे बैठे ये मानसिक भक्ति है। मन में अगर आप चिंतन कर रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है और आप यज्ञ करना चाहते हैं, आपके पास घी नहीं है, लकड़ी नहीं है, सुविधाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप एक आसन पर मन से बैठ जाओ, मन से यज्ञ का निर्माण करो, मन से अग्नि को प्रज्वलित करो, मन से स्वाहा और सुधा के मंत्र बोलो, उसे क्या कहते हैं, मानसिक यज्ञ। इसी प्रकार से भक्ति है। हमारे पास पुष्प नहीं है, फल नहीं है, हमारे पास द्रव्य नहीं है, धन नहीं है, तो एक आसन में बैठ जाओ। इसी प्रकार से शिवलिंग का मन से निर्माण करो, उन्हें पुष्प चढ़ाओ, फल चढ़ाओ मन से। जब आप मन से ऐसा कार्य करेंगे तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और वे सारी चीजें जो आपने भगवान को चढ़ाई है ना, वो साकार रूप ले लेंगी जीवन में। आपके पास धीरे धीरे फल भी आने शुरू हो जाएंगे, फूल भी आने शुरू हो जाएंगे, और धन भी आना शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े योगियों ने हिमालय में बैठ करके मन से यज्ञ किए। हिमालय में ऐसी कंदराओं में बैठ के योगी जाकर के, जहां पर घृत नहीं था, जहां पर फल मेवा मिष्ठान नहीं थे, लेकिन वो मन से इन सारी चीजों को भगवान को अर्पण करने लगे, और ये सारी चीजें सगुण रूप
धारण करके इस ब्रह्मांड में वहीं पर प्रकट होने लगे। तो आइए सबसे पहले तो आज हम लोग मन से सजाएंगे। भगवान के तो दो विवाह हैं, अगले विवाह में ये सारी चीजें सगुण रूप धारण करके इस मंडप पर ही प्रकट हो जाएंगी। तो आओ पहले मन से भगवान को सजा लें और दूसरे विवाह में हम सगुण रूप से भगवान को सजाएंगे। तो सब मन से बारात लेकर के भी चलेंगे और आप लोग भगवान शिव के विवाह में बाराती बन करके भी चलें। ऐसा भाव अपने अंदर प्रकट करें कि ये श्रवण मास की पावन बेला चल रही है। इस बेला पर जहां पर बड़े बड़े योगी तपस्वी मनस्वी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि वो महीना आएगा, वो समय आएगा जब हम भगवान के वैवाहिक बेला पर उपस्थित होंगे। आज आप बाहर रोड़ों पर निकल करके देखो कैसे लोगों ने अपने काम छोड़ दिए, अपनी गाड़ियों में बड़े बड़े डीजे लगा लिए, बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगा लिए उन्होंने, और हरिद्वार और ऋषिकेश नीलकंठ गौमुख आप जाकर के देखेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में ऐसी ध्वनि चल रही है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन राज्यों में कुछ ऐसी सरकारें थी जो हिंदुत्व का विरोध करती है उन्होंने डीजे पर प्रतिबंध लगा लिया, लेकिन शिव भक्त पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपने हाथों में ही वाद्य यंत्र ले लिए और ऐसे वाद्य यंत्र उठा लिए उन्होंने आज अपने हाथों में जो डीजे की आवाज से भी ज्यादा बजने लगे। पूरे ब्रह्मांड में बम बम भोले भोले की आवाज गूंज रही है। तो आइए मन से हम भगवान भोलेनाथ को सजाएं और धीरे धीरे मन से ही हम भगवान भोलेनाथ के वैवाहिक मंगल बेला में प्रवेश करें और हरिद्वार के लिए बारात धीरे धीरे अब प्रस्थान। भोले नागेश्वर महादेव की। सब तैयार है भगवान को सजाने के लिए? कोई पीछे तो नहीं हट रहा है? खाना पीना सबका हो गया है? सब बिल्कुल अच्छे मूड में है? ताली की सेवा करते हुए गाइए भोले भोले बाबा की। और जो नृत्य कर सकते हैं वो नृत्य भी करेंगे क्योंकि बैठे बैठे बारात नहीं चली थी। जो खड़े नहीं हो सकते बैठे बैठे ही आनंद लीजिए, लेकिन पूरा आनंद लीजिए। हम आनंद की पराकाष्ठा में बहुत अच्छे से अपने आप को प्रस्तुत करें। शिव शंकर भगवान की। तेरा किसने किया श्रृंगार बाबा, 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 लागे दूल्हा सा तू दिलदार बाबा, लागे दूल्हा सा तू दिलदार बाबा, चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, लागे दूला
लगाया शीश जटा माथे पे चंदन किसने तुम्हें लगाया शीश जटा माथे पे चंदन किसने तुम्हें सजाया शीश जटा माथे पे चंदन किसने तुझे सजाया सदा वो जिसने तुझे सजाया वो सजाता रहे बार बार बाबा वो सजाता रहे बार बार बाबा मेरा किसने किया श्रृंगार बाबा मेरा किसने किया श्रृंगार बाबा संगीत सुनाओ मेरे भोले बाबा तुमको कौन संगीत सुनाओ मेरे प्यारे बाबा तुमको कौन संगीत सुनाओ ऐसे दुर्लभ रोग बजा दे तो नाचे में गाओ ऐसे दुर्लभ रोग बजा दे तो नाचे में गाओ यहाँ की बारात तो बहुत अच्छी है जो बैठे बैठे निकल जाती है। असल में ब्यास जी को नहीं पता, मैं बताऊं, जब बारात की बढ़िया सी पीने और खाने की व्यवस्था करते हैं ना, आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं ना पुष्पा जी, अगर बारात की व्यवस्था बढ़िया सी हो पीने की और खाने की तो बढ़िया सी बारात झूमती हुई जाती है, और लड़के वाले कंजूस हो तो बारात कहीं घोड़ी कहीं बैंड कहीं फिर ऐसे ही राग बजता है, तो व्यवस्था नहीं की तो फिर ये हुआ भी नहीं। नहीं व्यवस्था हम क्यों करेंगे, आज तो व्यवस्था जहाँ बारात जा रही है लड़की वाले करेंगे ना, ये कल पूछना चाहिए था। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो आइए देवताओं की बारात भगवान भोलेनाथ के साथ में इंद्र इंद्राणी और स्वयं चंडी का कलश लेकर के आगे आगे है, वो भगवान शिव की बहन है। और साथ ही साथ क्योंकि जब किसी के भाई की शादी होती है तो बहन अति प्रसन्न होती है, तो इस बारात आ रही है हरिद्वार के लिए, बड़ा ही सुंदर माहौल है। तो सो आपको दक्ष प्रजापति के यहाँ पर लेकर के चलते हैं, जहाँ पर स्वयं माता रानी है, जिनके हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही है और सखियां उनका श्रृंगार कर रही हैं, जो त्रिभुवन सुंदरी हैं, उससे सुंदर संसार में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उनका श्रृंगार हो रहा है, उनके हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही है। तो आइए इसी मेहंदी की रस्म में आपको लेकर के चलते हैं। बोली शिव शंकर भगवान की, बोली साजे दरबार, सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे नहीं लग रहा रायपुर में मेहंदी पड़ी जा रही है। देखो संबंध की बात है, जिनका संबंध है वो आनंद मनाने लगे, और अरे भाई संबंधी तो सारे बैठे हैं, जब आपके बेटे या बेटियों की मेहंदी गाई जाती है तो ऐसी गाई जाती है, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, लगा दो मुझे ऐसी सजा
मंडप पर पहुंच चुके हैं और ब्रह्मादिक देवता अब मंत्रों का उच्चारण करने लगे हैं। सबसे पहले उन्होंने कौन से मंत्र बोले हैं? ओम श्री गणेशाय नमः। अभी भगवान का विवाह नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही भगवान गणपति का क्या हो चुका है? आह्वान हो चुका है। परमात्मा का एक नाम गणपति है, जो समस्त गणों के क्या है? पति है। शुभ मंगल है, शुभ घड़ियां हैं, और इधर दक्ष प्रजापति अपनी इस पुत्री उमा का हाथ भगवान भोलेनाथ के हाथों में दे रहे हैं, और ब्रह्मादिक देवता आकाश मंडल से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वाहा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न चक्षो अरिष्टनेमहि, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। पूरे ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो गया। दक्ष प्रजापति ने बहुत सारी चीजें दहेज रूप में भी संग्रह की है, लेकिन भगवान भोलेनाथ क्या है? त्यागी है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति का भोग ना तो आज तक गाया गया है और ना कभी गाया जाएगा। व्यक्ति का केवल त्याग गाया जाता है, पुरुषार्थ गाया जाता है, धर्मार्थ गाया जाता है। ये व्यक्ति बहुत बड़ा दानी था, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थी था। उसने मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, उसने अपने गांव में कथा कीर्तन यज्ञ आदि वे कार्य कराए। उसका जो त्याग है ना, वो गाया जाता है। तो भगवान भोलेनाथ क्या है? योगी है और पलस त्यागी है। उन्हें संसार की चीजों से कोई मोह नहीं है। हम लोग क्या है? मोहग्रस्त है।
हम सोचते हैं कि एक चीज चली गई तो एक चीज कैसे आएगी हमारे पास। इस ब्रह्मांड का नियम है कि जो कुछ भी बोया वही हमने पाया। हमने अन्न दान किया तो अन्न मिल गया, वस्त्र दान किए तो वस्त्र मिले, जिन्होंने धन दान किया उन्हें धन प्राप्त हो गया, जिन्होंने ज्ञान दिया उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इसलिए जीवन भोग नहीं होना चाहिए, जीवन त्याग होना चाहिए। जो संग्रह रूप में दहेज रूप में वहां पर चीजें आई, वो समस्त चीजें उमा ने और महादेव ने किसको प्रदान कर दी? देवताओं को प्रदान कर दी। आज अगर किसी बेटे या बिटिया का विवाह होता और उसके विवाह में कुछ चीजें आ जाती ना और कोई उठा करके उनको दे देता, पहले तो दे ही नहीं सकता है, अगर देते तो नाराज हो जाते। लेकिन यहाँ पर भगवान भोलेनाथ अपने त्याग का परिचय दे रहे हैं कि जीवन भोग नहीं, जीवन योग होना चाहिए, जीवन साधना होनी चाहिए। हमारा जीवन हमारे लिए नहीं होना चाहिए। संसार में जितने भी चीजें हैं वो अपने लिए नहीं जीती। आप पेड़ों को देखो, पेड़ कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती, केवल मनुष्य है जो सबसे पहले अपने लिए सोचता है। तो जीवन अपने लिए नहीं, अपने के साथ साथ औरों के लिए होना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जैसे शाम होते ही पक्षी अपने घोंसलों की ओर आते हैं और घोंसलों में जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वह अपने माता और पिता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अब उन पक्षियों के कोई हाथ तो है नहीं या उनके पास कोई पोलोथीन तो है नहीं कि वो सामान उसमें डाल करके लाएंगे। अपने बच्चों की भूख निवारण हेतु वो अपनी चोंच में दाना लेकर के आते हैं और जब वह अपने बच्चों की चोंच में दाना डालते हैं तो उनके बच्चे उनको अंगीकार कर लेते हैं। स्नेह प्रेम वहां पर प्रकट हो जाता है। तो ये जो कथा हम लोग कर रहे हैं ना, ये कथा उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जिन बच्चों के आज माँ भी है लेकिन वो सहायक रूप में नहीं है, पिता भी है तो वो सहायक नहीं है। किसी बच्चे को माँ ही नहीं है, किसी बच्चे को पिता ही नहीं है। ऐसे बच्चे जिन बच्चों को आज से पहले क्रिश्चियन लोग पालते थे, देहरादून में आप देखेंगे जो भी आज तक होम बने हुए ना वो क्रिश्चियनों के बने हुए, ऐसे बच्चों को एडॉप्ट कर लेते थे और वो बच्चे कोई और नहीं होते थे, वो हमारे ही परिवार के बच्चे थे, हमारे ही धर्म के बच्चे थे। आपने एक लेडी का नाम सुना, उसका नाम है मदर टेरेसा। सुना है कि नहीं सुना है आपने? आपको पढ़ाया भी गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा। मदर टेरेसा जो बाहर से आई, जिसने अपने जीवन में 72 बच्चों का पालन किया, सिर्फ 72। वो जो 72 बच्चे थे वो कौन थे? चिंतन करो कौन थे? वो हमारे ही परिवारों के बच्चे थे। उन 72 बच्चों के अंदर ऐसा बीज अंकुरित किया मदर टेरेसा ने कि 72 बच्चों से आज 72,000 पादरी हमारे देश में हैं। एक भी आचार्य, एक भी व्यास, एक भी सन्यासी उन बच्चों में नहीं बना। तो किसका हार्स हुआ? हमारी संस्कृति का हार्स हुआ। तो ये जो कथा है हम ऐसे बच्चों के लिए कर रहे हैं जिन बच्चों की आज स्कूल की फीस, उनकी ड्रेस, उनकी यूनिफॉर्म्स, उनके बस्ते, उनके बैग्स, ऐसे बच्चों के लिए हम कथा कर रहे हैं ताकि आपका दिया हुआ दान ऐसे बच्चों की सेवा में समर्पित हो जाए। हमने दीपावली पर्व पे देखा, बहुत सारे परिवारों को देखा, अपने हिंदू परिवारों को देखा कि आज अगर मैंने 5,000 के पटाखे चलाए हैं ना तो मेरा पड़ोसी सोचता है कि मैं 10,000 की चलाऊं। एक कंपटीशन लग जाता है हमारे अंदर। हम कभी चिंतन करते हैं कि जिस पैसे से हम लोग पटाखा खरीद करके लाए हैं ना उस पटाखे को बनाने वाले कौन है, उस पैसे से हो क्या रहा, कभी नहीं चिंतन करते। वो समस्त पैसा जिहादियों का पैसा है और
जितना पैसा हम उन पटाखों में खर्च कर रहे हैं जिससे पर्यावरण ध्वनि पॉल्यूशन और आपके आसपास जितने पक्षी जो घोंसला बनाए बैठे हुए हैं, जब आप एक पटाखा चलाते हैं तो वो अपने घोंसलों से उड़ जाते हैं, कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। कभी ऐसे बच्चों के पास में निकलो जो हमारे धर्म के बच्चे हैं, जिनको आज कॉपी नहीं, पेन नहीं, जो एक मिठाई का पीस भी नहीं खा सकते, जिनके पास एक वक्त का खाना नहीं है। अगर आप ऐसे शुभ अवसरों पर जाकर के उन बच्चों के मुख में एक मिठाई का पीस खिलाएंगे ना, तो हमारा दीपावली मनाना सार्थक हो जाएगा। तो जीवन समाज के उन बच्चों के लिए समर्पित हो जो बच्चे आज उन्हें हमारी आवश्यकता है। भगवान शिव त्यागी हैं और वो त्याग है उनके अंदर, जिस त्याग से वो सारे ब्रह्मांड में आज पूजनीय है। स्वयं पर्वतों में रहते हैं और हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर घर भगवान ने उपलब्ध कराए, ये भगवान की बहुत ही सुंदर लीला है। तो भगवान अब सती को लेकर के कैलाश के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। चारों ओर पूरे ब्रह्मांड में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही है। चारों ओर देवता अपने अपने वाद्य यंत्रों को बजा रहे हैं। देवताओं के पास में दो चीजें हैं, एक उनके पास अपना वाद्य यंत्र है, दूसरा उनके पास धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र है। तो देवता जिस तरह से नाचते गाते उत्सव मनाते हुए कैलाश से आए थे, और हम लोग भी थे उनके साथ में, ऐसा नहीं थे कि हम नहीं थे उस बारात में, आप और हम सब थे। लेकिन हम बार बार रूप बदल करके आते हैं, इसीलिए हम उन चीजों को नहीं पहचान पा रहे। हम सब दिव्य आत्माएं, पुनीत आत्माएं भगवान के उस वैवाहिक मंगल बेला पर उस समय मौजूद थे, क्योंकि हम देव सेना के सदस्य हैं। हमारी सेना क्या है? देव सेना है। हम देव सेना के क्या है? सदस्य हैं, उनके सेनापति हैं, देव सेना के सेनापति हैं हम। तो आज भगवान का ये प्रथम विवाह, जिस विवाह पर आप समस्त माताएं बहने अपने समस्त कार्यों को विराम करके यहाँ पर आए, और आज की कथा शुरू में ही मैंने बोला था गौ माता के श्री चरणों में समर्पित थी। गौ, गौ क्या है? जिस गौ को हम देख रहे हैं ना, ये जो गौ है, इस गौ के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है। शास्त्र ने कहा कि गौ में वसते लक्ष्मी, इस गौ के अंदर लक्ष्मी वास कर रही है। गाय के मुख में भगवान शंकर जी का वास है, और हम लोग नवरात्रे रखते हैं ना, तो नवरात्रों में आपने देखा है कि हम अष्टमी देवी का पूजन करते हैं। जिस दिन हम कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्याओं को जिमाते हैं, कई बहनें अष्टमी का पूजन करती हैं, कई बहनें नवमी का पूजन करती हैं। जो आठवीं देवी है, उस आठवीं देवी को क्या कहते हैं? कौन है वो आठवीं देवी? उस आठवीं देवी का नाम ही महा गौरी है, वही गौ माता है आठवीं देवी। हम जो हिंदू लोग हैं, केवल पूरे ब्रह्मांड में हम ही गौ को माता कहते हैं, बाकी अन्य संस्कृतियां गाय को तो एक पशु समझती है, गाय को काट करके खा लेना चाहती है। हमने ब्रह्मा जी से गाय को प्राप्त किया है, समस्त रुद्रों की माता है गायें। तो ये जो कथा है, ये गौ माता के श्री चरणों में समर्पित है। इस कथा में आप जो भी दान कर रहे हैं, इस दान का अंश गौ माता के चारे के लिए समर्पित हो, इस भावना के साथ में आपके बीच में महाराज जी हम लोग उपस्थित हुए। और हरिओम आश्रम कड़वा पानी के पास इस समय ऐसी गौवंश है जो दूध नहीं देता। रोड पर कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, टांगे टूट जाती हैं, कूले टूट जाते हैं, बीमार, ऐसा गोवंश। उस गोवंश के मेडिसिन के लिए, उस गोवंश के भरण पोषण के लिए वो गौ आप सबकी माता है, विश्वसनीय माता है।
एक माता तो वह कि जिसका दूध हम एक या दो वर्ष तक पीते हैं, लेकिन उस माता का दूध जब तक जीवन है तब तक ग्रहण करते हैं। उसके हम ऋणी हैं, हम उसके ऋण को उत्तीर्ण नहीं कर सकते। हमारे घर की पहली रोटी गाय माता के नाम की है, और हमारी प्लेट के अंदर जो भोजन आया है उस भोजन का पहला अंश गौ ग्रास है, वह भी गौ माता के नाम का है। जो वास्तविकता में सनातनी है वो अपने घर की पहली रोटी गौ माता को समर्पित कर रहे हैं, तो इसीलिए संस्कार है। लेकिन आज समय बड़ा विचित्र हो गया है। आज पहली रोटी कहां गाय के नाम की? आज तो हमारे घर में हमने जो कुत्ते पाले हुए हैं ना, उन कुत्तों को हम सारा समय दे रहे हैं। भागवत सुनो, शिव महापुराण सुनो, गुरुड़ पुराण सुनो। गुरुड़ पुराण में कहा कि कुत्ता एक चंडाल है, चार योनियां चंडाल बताई गई हैं, कुत्ता, बिल्ली, नेवला और सर्प। जितनी बार भी आप कुत्ते को स्पर्श करेंगे, जीवन के किए हुए पुण्य समाप्त हो जाएंगे, सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। कुत्ते की रोटी है लास्ट की, जो घर के बाहर देने के लिए शास्त्र ने कहा कि अपने घर के बाहर कुत्ते को रोटी दो, उससे पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन आज हमने क्या कर लिया, अपने बेड़ों पर ही हमने कुत्ते पाल लिए, फुल जीवन उनमें ही दे रहे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर मनुष्य डेवलप नहीं होगा, हमारे बच्चे डेवलप नहीं होंगे, हमारे बच्चों की सोच डेवलप नहीं होगी, तो हम चाहे कितने भी पशु पक्षियों को डेवलप कर लें, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। इसीलिए इस सृष्टि में पहला अधिकार मनुष्य का है, हम सब स्वयं डेवलप हो, स्वयं संस्कारवान हो, स्वयं टैलेंटेड हो, तो पूरी सृष्टि टैलेंटेड हो जाएगी। और हम अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे, संस्कार होते जा रहे हैं, लोग रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं, मर्यादाएं खत्म होती जा रही हैं, तो पूरी सृष्टि मलेच्छ हो जाएगी। और जब ये सृष्टि मलेच्छ हो जाएगी तो नाना प्रकार की आपदाओं से सृष्टि स्वयं ही खत्म हो जाएगी। संस्कार, मर्यादाएं, ये सारी चीजें हमको बना करके रखनी है। तो आज की कथा गौ माता के लिए है, और हमने दोनों हाथ उठा करके गौ माता के लिए संकल्पित होना है कि हम गाय के लिए अवश्य ही कार्य करेंगे। गौ हमें ऐसी शक्ति दे, आगे भी गायें हो हमारे, पीछे भी गायें हो, दाएं भी गायें हो, हम गायों के मध्य में हैं। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो गायों के मध्य में है भगवान श्री कृष्ण, अगर हम उनकी पूजा कर रहे हैं। भगवान शंकर जी को अगर हमें प्रसन्न करना है तो भगवान शंकर जी ही गायों के बीच में हैं। तो आज आश्रम के चारों ओर गायें हैं। आप कभी हरिओम आश्रम में आएंगे तो हरिओम आश्रम के मध्य में हमारा बैठने का स्थान है, बाकी आश्रम के चारों ओर गायें हैं। तो प्रभु हमें ऐसी शक्ति दे कि हमारे चारों ओर गायें हो। वैतरणी को पार लगाने वाली अगर कोई देवी है तो वो कौन है? गौ माता है। हम सबने गाय का दूध पिया है कि नहीं पिया है? पिया है। गाय के पास वास्तविकता में दूध है ही नहीं, दूध तो भैंस के पास में है। गाय के पास में क्या है? अमृत है, दूध नहीं है। जिस अमृत को पी करके हम लोग क्या बनेंगे? प्रज्ञावान बनेंगे, ओजस्वान बनेंगे, तेजस्वी बनेंगे, मनस्वी बनेंगे। लेकिन अब गाय है कहां? तो इसीलिए गाय के प्रति हमें कार्य करना है। गाय बचेगी तो पूरा विश्व बचेगा। दोनों हाथ उठा करके बोलिए, गौ हमारी जन्म जन्म का, गौ हमारी माता है जन्म जन्म का माता है। इन्हीं विचारों के साथ में आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। बोली शिव शंकर भगवान की। आज आपके बीच में विराम हो गए हैं, और कितनी जल्दी अच्छा समय व्यतीत होता है कोई नहीं सोच सकता। शेष 5 दिन का अनुष्ठान, और 5 में भी 4 दिन माने 5वां दिन तो चलते चलते हरिओम। देहरादून की सबसे बड़ी गौशाला टिबली गांव में बन रही है चिड़ी बेली। चिड़ी बेली गांव का नाम किसी ने सुना है? हाथ उठाओ। चिड़ी बेली कोई गया हो? चिड़ी बेली
आप गए चिड़ीबेली तिमली गांव के पास जो जंगल में जगह है, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। चिड़ीबेली का नाम बहुत कम लोग जानते कि देहरादून में चिड़ीबेली कोई गांव है। और जितना बड़ा आप वेडिंग पॉइंट देख रहे हैं, इससे भी बड़ा यानी 200 फीट लंबा और लगभग 80 फीट चौड़ा एक तीन शेड उसमें लग रहा है, जिसमें कम से कम 2000 गैया रहेंगी। वर्तमान में तो 300-400 से भी ऊपर गैया हैं। 15 बीघे में वो पूरा फॉर्म बना हुआ है। आप कभी वहां जाएं जहां गौ तीर्थ धाम बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट देहरादून की सबसे बड़ी गौशाला। और ये तीन शेड जिन्होंने लगाया है उनके दिल से पूछो कि कितने का लगा है। ये 100-200 में नहीं लगता माताओं, इससे भी ज्यादा हाइट में लग रहा है। और इतना बड़ा टीन शेड लगेगा, उसमें खंजे लगेंगे, उसमें घास की नादे बनेगी, पानी की नादे बनेगी, गैया रहनी शुरू हो गई। अभी आधा अधूरा है, कुछ पल्ले लग गए हैं, कुछ थोड़े कम थे आज लग रहे हैं। शायद नारायण ने चाहे इस महीने पल्लों का काम पूरा हो जाएगा, जिसमें लगभग 200 पल्ले लगे हैं 21 फुटे। 200 पल्ले थोड़े नहीं होते। और उसके बाद उसमें नादे बननी शुरू हो जाएंगी। डाक पत्थर से एक बहन जी हैं, अजय लक्ष्मी श्रीवास्तव, बार बार ऐसी बहन को बार बार प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपना सारा जीवन गैयों को समर्पित किया। वो बिजली विभाग में सर्विस करती थी, रिटायर हो गई और अपना सारा धन सारा जीवन पशु और पक्षियों को समर्पित किया। ऐसी बहन अजय लक्ष्मी श्रीवास्तव, शंकर फैब्रिकेशन विकास नगर वाले, जिन्होंने उस गौशाला में नादे बनवाने का काम किया। जो धर्म के लिए काम करता है वो कभी मरता नहीं, उसका कर्म नहीं मरता। हम एक बहुत बड़ी कोठी बना ले, लाखों करोड़ों की कोठी बना ले, आने वाले समय में कोई याद नहीं रखेगा। हमारे क्या पता बेटा बेटी कैसे होंगे, बहू कैसी होगी, कल पता चला उस घर से हमें बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। लेकिन धर्म के लिए हमने कोई भी कार्य किया वो कभी मरेगा नहीं। गौशाला के लिए जो कार्य चल रहा है माताओं, 33 कोटि देवी और देवताओं के लिए कार्य हो रहा है, कभी मरने वाला नहीं है। पानी की नादे, उसमें पंखे लगने हैं, घास की नादे, खड़ंजा लगना है, कितनी बड़ी सेवा चल रही है। किसके लिए? उन गईयों का आश्रालय जो दूध नहीं देती। बैल हैं, बछड़े हैं, उनका क्या कसूर है? कोई उनको आज पालने के लिए तैयार नहीं है। अगर कहीं ऐसा कार्य हो रहा है तो हम जरूर वहां पहले जाएं, दर्शन करें। और हम अगर 5 ईंट वहां लगा सकते हैं तो लगाएं, 10 ईंट लगा सकते हैं तो लगाएं। क्यों? उस यज्ञ में हम जरूर आहुति डालें, ताकि धर्म यज्ञ में हमारी भी एक छोटी सी आहुति समर्पित हो पाए। हरिओम आश्रम ने 20 वर्षों से गौ सेवा और बच्चों की सेवा, पर्यावरण की सेवा का कार्य किया, अपने लिए एक कमरा भी नहीं बनाया। कड़वा पानी में आकर आप देखेंगे, मैं जहां बैठा हूं वहां एक कमरे का भी निर्माण नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि खर्च ही समय अथाह है। एक ही महीने का कम से कम 7-8 लाख से ऊपर का खर्च पहुंचता है, छोटा खर्च नहीं है। और ये सब समाज के द्वारा होता है, कोई नेता अभी देता नहीं देते, कोई सरकार नहीं देती। हमारा पशु कल्याण बोर्ड जो उत्तराखंड सरकार है, अभी तक एक गाय पालने के लिए 5.66 रुपए देती है। अब 5.66 रुपए में एक चाय का कप नहीं आता, गाय तो क्या छक जाएगी। इसलिए हम अपने धर्म की इन विधाओं को समझकर कार्य करें। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है, रायपुर रांझावाला से हमारी बहुत सारी बहनें आई हैं, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। जब हमने रांझावाला में कथा की है तो किन्हीं बहनों का नाम ने चटनी वाली रखा, उनके यहाँ सुंदर सुंदर चटनियां खाई है। कहाँ भगवान सदाशिव उनको अपने श्री चरणों में जगा दे। और बड़ा स्नेह बड़ा प्रेम उन बहनों के साथ हमारा रहा। हरिओम आश्रम की सेवा उन्होंने तन से मन से धन से की। आश्रम तक वो बहने सब चलकर आई। आज यहाँ मंडप पर भी कई बहनों को देख रहा हूँ, आपको बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। और आज इस श्रृंखला में कई बहनों ने अपना दान भेजा है। श्री बिलास पोखरियाल जी के परिवार से पुष्पिया से 500 एक रविंद्रनाथ से आइए, जोरदार ताली स्वागत करें। और एक बहन जी गुप्त दान पुष्प विहार ढंग से अपने पित्रों के निमित्त 251 रुपए की धनराशि भेज रही हैं। तालियों की सेवा करते रहें। श्री दिगंबर सिंह रावत जी के परिवार से रायपुर ढंग से 1100 रुपए की धनराशि आई है। और गुप्त दान रायपुर रांझावाला से 201 रुपए की धनराशि आई है।
गुप्त दान रायपुर अंजा वाला से 251 रुपए की धनराशि आई है और गुप्त दान रायपुर अंजा वाला से 201 रुपए की धनराशि आई है। श्री किशोरी लाल सकलानी जी रायपुर ढंग से 501 रुपए की धनराशि आई है। संतन सिंह अश्वाल जी ढांग से 1001 रुपए की धनराशि भेज रहे हैं। जिन भावनाओं से आपने यह अंशदान भेजा है, नारायण आप सबके